नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। इरफान पठान इन दिनों लेजेंड लीग का हिस्सा हैं और इस लीग में इरफान अपने बल्ले और गेंद से दोनों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देख उनके फैंस काफी खुश हैं। लेकिन उनके चाहने वाले इस बात से नाखुश हैं कि इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत जल्दी संन्यास ले लिया। आपको बता दें कि इरफान अभी सिर्फ 37 वर्ष के हैं। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इरफान के करियर को जल्दी खत्म करने का आरोप MS धोनी पर लगाया जा रहा है। जी हां, MS धोनी, क्योंकि इरफान ने जब अपना आखिरी मुकाबला भारतीय टीम के लिए खेला था तब भारतीय टीम के कप्तान धोनी ही थे। हाल ही में एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इरफान पठान के एक फैन ने ट्वीट करते हुए कहा, जब भी मैं इन लीग्स में इरफान पठान को देखता हूं, मैं MS धोनी और उनके मैनेजमेंट को और भी ज्यादा कोसता हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में आखिरी व्हाइट बॉल मैच खेला था। नंबर 7 के लिए बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी, कोई भी टीम उन्हें अपनी टीम में लेने को तैयार हो जाती, लेकिन भारतीय टीम ने रविंद्र जडेजा को खिलाया, यहां तक कि स्टुअर्ट बिन्नी को भी। इस फैन को जवाब देते हुए जो इरफान पठान ने कहा, उसने सभी का दिल जीत लिया। इरफान ने रिप्लाई देते हुए कहा, किसी को दोष मत दो, आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। इरफान पठान ने जब अपनी करियर की शुरुआत की तब अपनी स्विंग गेंदबाजी से वो बल्लेबाजों को काफी परेशान किया करते थे। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, वो एक ऑलराउंडर के रूप में उभर कर सामने आए। इरफान पठान 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा भी थे और फाइनल मैच में इरफान ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 3 विकेट निकाले थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। लेकिन उसके बाद इरफान के करियर में काफी उतार चढ़ाव आए और इरफान कभी टीम में अंदर तो कभी बाहर होने लगे। इरफान पठान ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 29 साल की उम्र में 2012 में खेला था। उसके बाद से इरफान भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।